नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि हाल ही में मारुति ने अपनी हॉट सेलिंग केक यानी कि मारुति सुजुकी डिज़ायर के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया है। ये गाड़ी आपको अब केवल 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ही मिलेगी, इसमें अब आपको डीजल इंजन नहीं मिलेगा। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,89,000 रुपये से शुरू होकर 8,80,500 रुपये तक की मिल जाएगी। अगर आज भी आप इस गाड़ी को डीजल इंजन के साथ खरीदने की तमन्ना रखते हैं तो अगर ये कहीं भी मारुति के स्टॉक में अवेलेबल है, बची हुई है, तो ही आपको मिल सकती है। एंड आई एम श्योर यू ऑल आर अवेयर कि 1 अप्रैल से मारुति अपने सभी के सभी डीजल इंजन्स को बंद कर रही है। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मारुति सुजुकी डिज़ायर के फेसलिफ्ट को पुरानी वाली डिज़ायर के साथ में और समझने की कोशिश करेंगे कि मारुति ने इस गाड़ी में क्या कुछ बदला है। तो चलिए जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर से और बात कर लेते हैं गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में। गाड़ी को जैसे ही आप सामने से देखते हैं तो सबसे पहला चेंज जो आपको नज़र आएगा वो है इसकी फ्रंट ग्रिल की डिज़ाइन। नई वाली डिज़ाइन में फ्रंट बम्पर को अब ग्रिल के साथ में इनकॉर्पोरेट करके बड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से अब गाड़ी की नंबर प्लेट आपको ग्रिल के अंदर ही समाती हुई देखने को मिलेगी। बम्पर में भी माइनस का ट्वीक किया है। फॉग लैंप की आउटर लेयर सराउंडिंग डिज़ाइन को थोड़ा सा बदल दिया है। इसके अलावा गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल में आपको कोई भी नोटिसेबल चेंज देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में। गाड़ी को साइड से देख लेते हैं। अगर आप दोनों ही गाड़ियों को साइड प्रोफाइल को गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। जब तक आप इन दोनों गाड़ियों को सामने से नहीं देखेंगे आपको इनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। साइड प्रोफाइल के सारे एलिमेंट्स दोनों ही गाड़ियों में सेम हैं, सब कुछ पहले जैसा है, नो चेंज एट ऑल सिवाय एक के। अब इसमें आपको ऑटो फोल्ड ORVMs मिलते हैं जो पहले नहीं मिला करते थे। अब मुड़ते हैं गाड़ी की बैक साइड यानी कि रियर प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल की तरह यहाँ भी वही कहानी दोहराई गई है। बैक प्रोफाइल के सारे एलिमेंट्स दोनों ही गाड़ियों में सेम हैं, सब कुछ पहले जैसा है, नो चेंज एट ऑल। अब आप समझ ही गए होंगे कि एक्सटीरियर में इस गाड़ी में मारुति ने केवल फ्रंट साइड में कुछ ही मामूली चेंजेस किए हैं। मेरी राय में अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे पुरानी वाले डिज़ायर का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है। मेरे हिसाब से वो मारुति की अब तक की सबसे बेस्ट डिज़ायर है। खैर ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव होती है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मारुति सुजुकी डिज़ायर का फेसलिफ्ट का नया डिज़ाइन कैसे लगा। मुझे इस फेसलिफ्ट से थोड़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, जिस पर मारुति ने कम्प्लीटली पानी फेर दिया है। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर के बारे में। शुरुआत करेंगे डैशबोर्ड से। यहाँ पर भी आपको कोई बहुत बड़े बदलाव देखने को नज़र नहीं आएंगे। सेम वही ड्यूल टोन इंटीरियर, सेम फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, सेम फैब्रिक सीट। अगर कुछ बदला है तो वो है स्टीयरिंग व्हील एंड डैशबोर्ड पर नज़र आने वाली वुडन गार्निश का पैटर्न, सीट के फैब्रिक का डिज़ाइन और अब इसमें क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से अब स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल स्टीयरिंग की दोनों तरफ की स्पोक पर आपको देखने को मिलते हैं, जबकि पहले ये केवल लेफ्ट साइड वाले स्पोक पर ही मिलते थे। इसके अलावा नई वाली डिज़ायर में आपको मारुति का स्मार्ट प्ले म्यूजिक सिस्टम भी देखने को मिलता है अलॉन्ग विथ स्मार्ट प्ले रिमोट ऐप। इसके अलावा इंटीरियर में आपको कोई भी खासे बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के बारे में, इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पर भी कुछ फीचर्स का डेफिनेटली इजाफा हुआ है, जैसे कि अब नई वाले डिज़ायर में आपको मिलेगा आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर, जिसे मारुति SHVS या फिर कुछ कंपनियाँ माइक्रो हाइब्रिड भी कहती हैं, जिससे कुछ हद तक आप कुछ फ्यूल की बचत कर पाएंगे। दूसरा फीचर है अब इस कार में आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाता है। नई वाले डिज़ायर में आपको 4.2 इंच की
ड्राइवर MID देखने को मिलेगी, जिसमें आप कई सारी जानकारी भी देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी में सबसे महत्वपूर्ण चेंज जो किया गया है इस गाड़ी के इंजन में। पुराने वाली डिज़ायर में आपको मिलता था 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो बनाता था 82 BHP की पावर 6000 RPM पर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता था 4200 RPM पर। नई वाली डिज़ायर में आपको बलेनो वाला पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो 88.5 BHP की पावर जनरेट करता है 6000 RPM पर, यानी कि पुराने वाली डिज़ायर से 6.5 BHP ज़्यादा। हालांकि टॉर्क आपको वही मिलेगा 113 Nm का, लेकिन ये जनरेट होता है 4400 RPM पर। ट्रांसमिशन में आपको पहले की तरह ही आज भी 5 स्पीड मैनुअल एंड AMT ट्रांसमिशन ही मिलेगा, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये नया इंजन पुराने इंजन से ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी ज़्यादा माइलेज क्लेम करता है, ज़्यादा माइलेज प्रोड्यूस करता है। पुराने डिज़ायर में अगर आप ऑटोमेटिक, मैनुअल, पेट्रोल, डीजल सबका मिला के कंबाइन माइलेज अगर हम बात करें तो आपको लगभग 21.21 KMPL का माइलेज मिलता था, लेकिन इस नई वाली डिज़ायर में आपको मैनुअल में 23.26 KMPL का और AMT में 24.12 KMPL का माइलेज मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर एक और शॉकिंग न्यूज़ ये है कि इंजन में किए गए बदलाव की वजह से नई वाली डिज़ायर का वज़न पुरानी वाली डिज़ायर के मुकाबले 20 किलोग्राम से ज़्यादा हो गया है। शायद आप भी ये पहली बार देख और सुन रहे होंगे कि मारुति की किसी भी गाड़ी का वज़न पुरानी वाली गाड़ी से कम होने की बजाय ज़्यादा हो गया है। ना ना, इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि मारुति को आपकी सेफ्टी की ज़्यादा चिंता है, इसकी वजह से शायद बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुरानी वाली डिज़ायर का वज़न 860 किलोग्राम से लेकर 895 किलोग्राम हुआ करता था, वहीं नई वाली का वज़न 880 किलोग्राम से लेकर 915 किलोग्राम तक है। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी के बारे में। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स आपको आज भी उतने ही मिलते हैं इस वाली में जितने कि पुरानी वाली में मिलते थे, जैसे कि ड्यूअल एयरबैग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन नई वाली डिज़ायर का अगर आप AMT वेरिएंट लेते हैं तो कुछ एडिशनल फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि अब आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और इसके साथ में आपको मिलेगा हिल होल्ड कंट्रोल का फीचर। अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कितने चेंजेस किए गए हैं। इसके बावजूद भी मारुति ने इसके प्राइसेस में मामूली सा इजाफा किया है। प्राइसेस की सारी डिटेल्स मैं आप सभी के लिए स्क्रीन पर दे रहा हूँ, वहाँ से उसे आप देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, पुरानी और नई वाली डिज़ायर की कीमत में केवल 6000 रुपये से लेकर 12000 रुपये का ही मामूली इजाफा किया गया है। पुरानी वाली मारुति सुजुकी डिज़ायर आपको 5,83,000 रुपीज़ से लेकर 8,82,000 रुपीज़ तक मिल जाती थी मैनुअल ट्रांसमिशन में, और AMT में वही आपको पुरानी गाड़ी 7.20 लाख रुपीज़ से लेकर 8.69 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती थी। वहीं पर नई वाली डिज़ायर मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 5.89 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 8,28 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है, और ऑटोमेटिक में नई डिज़ायर आपको 7.32 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 8,81,000 रुपीज़ तक की मिल जाती है। वैसे तो नई वाली डिज़ायर में कोई भी बड़ा चेंज नहीं किया गया है, लेकिन नया इंजन और लगभग 3 KMPL से इंक्रीज हुआ माइलेज क्या इस कार की सेल्स को बढ़ा पाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे तो लगता है कि सभी डीजल इंजन बंद होने की वजह से मारुति की सेल्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और भगवान ना करे कि मारुति को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। आपको क्या लगता है, क्या ये फेसलिफ्ट डिज़ायर के पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ पाएगी? आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।